आज जो मैं आपको रेसिपी दूंगी वो है कुलचा कबाब, जिसके लिए मैंने मैदा लिया है। आधा किलो मैदा है, इसमें डालेंगे यीस्ट, डालेंगे हम 1.5 टेबल स्पून यीस्ट, हम 1/2 टीस्पून डाल देंगे नमक और 1 टीस्पून डाल देंगे शुगर यानी चीनी, 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे ऑयल या मेल्ट हुआ घी, दूध लेंगे नीम गर्म सा, इससे हम गूंद लेंगे डो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो गूंदना तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर भी आपके सामने डो गूंद रही हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, आप आराम से जो है नान बना लें। डो को 2 से 3 दफ़ा इस तरह गूंद दें, इसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको एक दफ़ा और गूंद के तो इसको हम क्लीन शीट लगा के तो हम रख देंगे अंदर 1.5 घंटे के लिए। जी कुलचा कबाब की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। क्या करेंगे, एक बॉल छोटा लेंगे बारीक कीमे का, उसके अंदर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून बेसन, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लेके जिसको मैंने क्रश किया है यानी कद्दूकश किया है उसका पानी निकाल लिया है वो डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चियों का पेस्ट है, पुदीना है वो भी 1 टेबल स्पून, और फिर नमक डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, आप ज़्यादा कर लें, क्योंकि हम लोग कम खाते हैं, हम कम डालेंगे। काली मिर्चों का पाउडर भी डाल देंगे 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर भी 1/2 टीस्पून डाल देंगे। चाहे आप फूल अंडा फेंट लें, पर थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, मेरे पास सफ़ेदी थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, 1 अंडे की सफ़ेदी भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी 1 टेबल स्पून ऑयल या घी, घी भी मेल्ट हुआ होना चाहिए, वो भी डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करके इसके कबाब बना लेंगे। ये देखिए इस तरह, पहले इसको आप गोलाई में कर लें तो फिर आप इसको इस शेप में कबाब बनाते जाएं। ये देखिए इस शेप पे हम कबाब बना लेंगे। जी पैन मैंने गर्म कर लिया हुआ, चूल्हे पे रखा था, 1 टेबल स्पून ऑयल या घी डाल लेंगे और कबाब जो है मेरे सारे बन चुके हैं, मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारे कबाब हमने डालिए, इनको हम हल्की सी आंच पे इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मीट के कबाब हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ढांक के पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने कबाब की साइड चेंज की थी, ये देखिए हमारे कबाब जो है रेडी हो गए। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, अब इनको उतार देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। कुलचा
कबाब बनाने के लिए थोड़ा सा सॉस बना लेंगे। 2 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल, बनाएंगे वाइट सॉस। डिफरेंट और कमाल का कुलचा कबाब बनाने के लिए सॉस तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से 1 चम्मच मैंने डाला है मैदा, जिसको हम इसमें डालेंगे हम 1 अदद दरमियाने साइज की शिमला मिर्च, और डालेंगे 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज, और डालेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इसको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर डालेंगे सिंपल सॉल्ट, 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। और फिर हम डालेंगे इसके अंदर सिराचा सॉस। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वो मैंने आपको बनानी बताई हुई है। सिराचा सॉस का 1 टेबलस्पून भर के हम डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार हो गई है, जो हम नान के अंदर लगाएंगे। बहुत ही आला टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार कुलचा कबाब। शायद कभी कहीं सुना हो और शायद खाया भी हो, पर जब आप मेरे हाथ का बना के खाएंगे खुद से, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरी आपके आगे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, 318 वीडियो चढ़ चुकी हैं। आपके लिए मैं मेहनत करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि आप बनाएं मज़े मज़े के खाने, खुद से बना के घर में बच्चों को दें, बड़ों को दें, खुद खाएं, पार्टीज़ में बनाएं। ये देखें, इस तरह का आपका सॉस तैयार हो जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। मैंने ऑफ़ कर दिया, अब इसको ठंडा होने देंगे और उतनी देर में हम नान की रोटी को बेल लेंगे। आपके 2-2 पीस कर लेंगे। दो हिस्सों में कर लेंगे जी। डो जो है हमने राइज हो चुकी थी, मैंने एक दफ़ा इसको गूंधा है, तो इसके बना लेंगे हम 4 पीस। हाँ जी, बेलना और चकला ले लेंगे और ऊपर मैदा फैला लेंगे। थोड़ा पेड़ा करके मैंने इस तरह से कर लिया है, अब इसको बेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान के साइज़ की रोटी बेल लेंगे, इसको साइड पे करेंगे, पैन लेंगे, पिज़्ज़ा पैन लेंगे और इसमें ये रोटी रख लेंगे नान की। फिर हमने क्या करना है, हमने डालना है इसके अंदर सॉस, जो मैंने आपको बनाना बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सॉस डालने से आपका नान जो है बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगा। इस सॉस को हम फैलाएंगे जी, ऊपर डाल देंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कबाब। और इसको साइड पे करेंगे, इतनी ही रोटी एक और बेलेंगे जी। दूसरी रोटी बेल के इसके ऊपर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको साइडों से
दबा देंगे। साइडों से हमने दबा दिया, अब ऊपर हम लगाएंगे अंडे की जो होती है जर्दी, सफेदी आपने अलहदा कर लेनी है, सिर्फ जर्दी लगाएंगे। जी अंडा हमने लगा लिया है, अगर आप जर्दी के अंदर फूड कलर डालेंगे येलो कलर तो वो और भी अच्छा लगेगा। वो मैंने डाल लिया है, फोक के साथ थोड़े से अगर आप कट लगा दें इसके ऊपर, चले ऊपर हम लगा लेंगे सफेद तिल डालेंगे। जी बर्तन आपको बताया हुआ है मैंने कि 10 से 15 मिनट आपने बर्तन पहले गर्म करना रखना है, तो नान इसके अंदर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। और आँच जो है ज़्यादा तेज़ ना हो ना ज़्यादा कम हो, नॉर्मल आपने आँच रखनी है और फिर देखेंगे। जी मैंने कहा था कि 10 मिनट में तैयार हो जाएगा नान कुलचा कबाब, यानी कि नान ये पकने में थोड़ा टाइम लिया है, इसने 20 मिनट भी रख सकते हैं। ये देखिए रेडी हो चुका है, ठीक है, इसको बाहर निकाल देंगे। जी कुलचा कबाब को निकाल लेंगे बर्तन से बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही खुशबू मज़े की आ रही है, इसके ऊपर घी लगाएंगे देसी। जी नान को तोड़ के दिखाते हैं, ये आप देखें बहुत ही मज़ेदार, नीचे से भी क्रंची ऊपर से भी बहुत गर्म मज़ेदार। आपके लिए मैंने तोड़ा है आपको दिखाने के लिए। नान जो है देखें हमारा तैयार हो गया, मैं आपको गरम बहुत है आधा किया मैंने, बहुत गरम, ये देखें मज़ेदार सा नान, इसमें धुआं निकल रहा है आप देख सकते हैं। ये देखें कबाब इसके अंदर और सॉस से भरा हुआ मज़ेदार हमारा। बहुत मज़े का है, इसको बनाएं और मुझे फीडबैक दें आपका कुलचा कबाब कैसा बना। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।